पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में भगवान मान की सरकार बनने के बाद 29,000 से अधिक सरकारी नौकरी मिली है और यही वजह है कि अब जो युवा हैं उनके बीच सरकारी नौकरियों की जो ललक जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन उसके पीछे एक कहानी है कि किस तरह से छोटे से गलियों में और छोटे से घर में रहने वाले जो खासकर यूथ हैं वो सरकारी नौकरी की तरफ रुख कर रहे हैं। उनको उम्मीद है कि भगवान मान की जो सरकार है पंजाब में जो आई है वो उन्हें एक उज्जवल भविष्य दे सकती है। हम इस वक्त प्रियंका भरद्वाज के घर के बाहर है। आप सबसे पहले इस गली को दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से तंग गली है और यहाँ पर अगर घर घर की तरफ हम अगर आपको दिखाएं तो सीढ़ियाँ हैं, बहुत छोटा सा घर है, 3 कमरे का एक छोटा सा मकान है जिसमें प्रियंका रहती हैं। 8 साल का एक लंबा स्ट्रगल रहा है। 2015 में पहली बार उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम दिया जिसके बाद उस नौकरी में उनका नाम आने के बावजूद स्टे लग जाने के कारण वो सरकारी नौकरी नहीं पा पाई। उसके बाद 2017-18 में उन्होंने दोबारा एग्ज़ाम दिया, उस समय भी उनका नहीं हो पाया और 2021 में जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया दोबारा उस पर स्टे लग गया और एक लंबा कानूनी जो दौर था वो प्रियंका ने देखा। और उसके बाद 2022 में जब भगवान मान की सरकार यहाँ बनी और उसके बाद लगातार जो नौकरियां हैं और जिस तरह के जो कानूनी दांवपेच थे उसको सरकार ने दूर किया और एक के बाद एक नौकरियां लगनी शुरू हो गई। घर दिखाते हुए हम ऊपर चलेंगे और प्रियंका और उनके परिवार से बात करेंगे कि आखिर जो 8 साल का एक लंबा सफर एक लंबा दौर रहा है स्ट्रगल का इनके जीवन में कैसे रहा और किस तरह से ये लोग रहते हैं उसको भी दिखाते हैं। एक पतली सी सीढ़ी है जिसे हम ऊपर आते हैं और देख सकते हैं छोटा सा मकान है जिसमें छोटा सा घर है प्रियंका का और उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि एक लंबा दौर जो रहा है स्ट्रगल का वो कैसा रहा है। यहाँ पर इनका पूरा परिवार जो है वो बैठे हुए हैं। प्रियंका खुद हैं, उनके पिताजी हैं, उनकी भाभी हैं, उनकी माताजी हैं, सभी लोग यहाँ पर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। प्रियंका, आपसे सबसे पहले मैं बातचीत का शुरुआत करना चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी लगी है, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको। कैसा रहा स्ट्रगल और कब से आप कोशिश कर रहे थे सरकारी नौकरी के लिए? हाँ जी सर, 2012 में मैंने अपनी बीएससी स्टार्ट की थी, 15 में मैंने कंप्लीट की, उसके बाद बीएड, फिर उसके बाद ईटीटी की। तो बीएड करते ही मैंने स्टार्ट कर दिए थे अपने एग्ज़ाम देने। तो सबसे पहले मेरा एग्ज़ाम जो क्लियर हुआ था वो 2016 में हुआ था, बट बीएड और ईटीटी का उसमें इशू हो गया था तो वो पोस्ट कैंसिल हो गई थी। फिर उसके बाद सेकंड ईयर उसमें भी कोई इशू हुआ और वो कैंसिल हो गई। फिर ये एग्ज़ाम जो हुआ था ये हुआ था 2021 में ऑन 16 अक्टूबर, उस दिन मेरा बर्थडे था। तो उसके बाद दिसंबर में ये क्लियर हुआ, फिर इसमें भी स्टे हो गया। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी थी फेब तक, बट उसके बाद मुझे ये लगा कि अब कुछ नहीं होगा क्योंकि स्टे लग गई, कैंसिल हो गया था, तो साल हो गया था वेट करते हुए। हमें था कि नहीं होगा, मैंने आइल्स भी अपना क्लियर कर लिया था इस चक्कर में कि शायद मतलब ये पोस्ट नहीं होगी तो मैं बाहर ही चल जाऊँ, क्योंकि मेरी एज भी 27 हो गई है। तो मुझे लगा पेरेंट्स का प्रेशर भी होगा और शादी का भी एक टाइम पे आ ही जाएगा, तो बाहर जाना ही बेटर रहेगा अपने करियर के लिए। तो बट एकदम से एक साल बाद इसकी नोटिफिकेशन आई तो मेरे 65 मार्क्स थे तो 66 तक इन्होंने रख लिया था सबको और मेरा फिर वेटिंग में आ गया था। बट 65 के बाद उसके बाद थोड़ी सी हमें हिंट मिल रहे थे कि शायद आ जाएंगी पोस्ट, पर जैसे ही ये सरकार आई आप सरकार की वजह से एकदम से हमें 15 मई को एकदम से नोटिफिकेशन आई, 16 को हमें जॉइनिंग लेटर अपॉइंटमेंट लेटर मिला और 17 को ही मेरी जॉइनिंग होगी थी साथ। मतलब 8 साल का जो स्ट्रगल है वो सिर्फ 72 घंटे में वो का पूरा हो गया। हाँ जी बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि इन्होंने, इस सरकार ने मतलब बहुत जल्दी हमारी करवाई। और 31 को मेरे पापा की रिटायरमेंट भी थी, 31 मई को, तो मेरी विश भी थी कि पापा की रिटायरमेंट से पहले मेरी जॉब लग जाए और वो हो भी गया। मतलब पिता का सहारा बन के आप उभर रही हैं। हाँ जी। और ये एक सवाल ये है कि 2015 में आपने जब पहली बार एग्ज़ाम दिया था तो क्या लगा था कि एक लंबा इतना लंबा सफ़र हो सकता है या उम्मीद थी कि जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि लोगों को सरकारी उम्मीद जब सरकार एग्ज़ाम क्लियर होता है तो उम्मीद होती है कि जल्द से जल्द नौकरी लग जाए। सर मतलब उस टाइम पे मतलब हम इतने एलिजिबल नहीं थे, 2017 में मेरी बीएड कंप्लीट होनी थी तो मैंने वैसे ही एक रैंडम एग्ज़ाम दिया था, तो मेरी फ्रेंड की लग गई थी उसमें एग्ज़ाम, तो मुझे था कि इसके बाद 18 में जो एग्ज़ाम आएगा उसमें मेरी लग जाएगी क्योंकि मेरी प्रिपरेशन थी उतनी अच्छी। बट नहीं, उस टाइम पे स्टे का इशू और बीएड और ईटीटी का इशू की वजह से नहीं हुआ और मुझ पर इतना नहीं पता था कि इतना लंबा जाएगा ये। इस दौरान आपने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या पड़ाव फेस किए हैं,
कैसे ये पूरा 8 साल रहा है, क्योंकि छोटा परिवार होता है, फाइनेंशियल क्रंचेस बहुत होते हैं, और जिस तरह मैं देख रहा हूँ एक भाई हैं, दो बहन हैं, पिताजी के ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा थी, उस दौर को आपने कैसे निकाला, क्योंकि आपने ट्यूशन भी पढ़ा रही थी, आपने ये बताया। 2012 से ही मैंने मतलब खुद ही करना ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू कर दिया था कि फ़ीस वगैरह खुद की पापा पे प्रेशर ना बने। पर 2018 में मतलब जैसे एग्ज़ाम दिया नहीं हो पा रहा था तो मैं चली गई थी काफ़ी स्ट्रेस में कि आइल्स क्लियर करके बाहर जाना ही ठीक रहेगा। तो 2021 में कोविड आया तो एकदम से घर में 6 मेंबर्स की डेथ होगी तो घर में बहुत बुरा माहौल हो गया था। तो मुझे यही लगा कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। ये कोविड के दौरान हुआ? हाँ जी हाँ जी। तो मुझे ये था कि अब एज भी निकल रही है, ऊपर से कोविड की वजह से और नहीं पढ़ पाऊँगी, तो मैंने ये सोचा कि मैं नियर बाय पीजी ले लेती हूँ कि अगर घर में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं साथ जल्दी आ भी जाऊँगी और साथ में मैं मतलब वहाँ पे पढ़ती भी रहूँगी। तो उसमें मैंने 21 में ये एग्ज़ाम दिया था वहाँ पे पढ़ के, तो और वही क्लियर हो गया। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सरकारी नौकरी का क्या इम्पोर्टेंस होता है, ये आप बताइए। मतलब मैंने ये चेंजेस देखे हैं कि उस टाइम पे जब सभी बोलते थे कि शादी क्यों नहीं कर रही है, इतनी एज हो गई है, और एकदम से जॉब लगने के बाद सबकी थॉट्स चेंज हो गए हैं। मतलब सब मोटिवेट कर रहे हैं कि गर्ल्स को पढ़ाओ, इतनी जल्दी शादी मत कराओ। मतलब मैंने खुद देखा है मेरे रिश्तेदारों में, सब अब मेरी फैमिली वालों कहने लग गए हैं कि नहीं, कि मतलब ये अच्छा किया आपने कि इसकी जल्दी शादी नहीं की, कि नहीं तो मतलब ये दिन ना आता फिर आपकी लाइफ में। अगर लगता है कि सरकार नहीं बदलती और जिस तरह से भगवान मान लगातार सरकारी नौकरियां दे रहे हैं, तो वो एज भी निकल जाता अगर आपको इस समय नौकरी नहीं मिलती। नहीं मतलब मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई और सरकार होती तो ये पोस्टें आनी थी और मेरी लगनी थी जॉब, और मैं शायद बाहर ही चले जाती। उसमें भी मुझे ऐसे हो रहा था रिग्रेट कि मुझे बाहर नहीं जाना था, बस इसी वजह से यही इशू था कि जॉब लग नहीं रही है और मुझे मतलब शादी से पहले मतलब मुझे सेटल होना था। मुझे ऐसे मतलब इतनी एजुकेशन लेके अनमैरिड होके मतलब अनएजुकेटेड की तरह नहीं जाना था मतलब शादी। मुझे चाहती थी कि मैं पढ़ लिख के अपनी जॉब के साथ जाऊँ अगर मैं किसी की फैमिली में जाऊँ। तो जो एक मिशन है भगवान मान का कि बच्चों को विदेश ना भेजे बल्कि यहाँ करे, तो सरकारी लग रहा है कि अब वो चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। दिख रही हैं हाँ जी। मुझे था कि ये शायद इतना मतलब कह रहे हैं बट ऐसा होगा नहीं, बट नहीं, इन्होंने बहुत जल्दी काम किया और मुझे लग रहा है आने वाले मतलब जितने भी हैं स्टूडेंट्स वो उनके लिए भी करेंगे जो वेटिंग में है। अब कितनी मजबूती के साथ अब परिवार का, क्योंकि पापा रिटायर हो गए हैं और आपकी नौकरी लग गई है, तो क्या लगता है कि अब परिवार का बोझ जो है वो आपके कंधों पर, आप उसको संभाल पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं रेडी हूँ उसके लिए और मैं पहले से भी रेडी थी, बट अब और अच्छे से जितना मैंने सोचा है सपने सबके पूरे करने हैं मैं और दिल से करूँगी। प्रियंका के पिताजी हैं सर, आप क्या नाम है आपका? मेरा लालमणि नाम है। लालमणि। लालमणि सर, उम्मीद थी कि बेटी को इस तरह से सरकारी नौकरी मिल जाएगी? उम्मीद तो थी साहब, लेकिन ये है कि नहीं भी थी, यही लग रहा था कहीं बाहर चली जाएगी, बाहर जाएगी लड़की की, ज़्यादा बहुत टेंशन में था। लेकिन जब इनकी वेटिंग आ गई तब और टेंशन में पड़ गया कि मुश्किल है अब आना। लेकिन कुछ 8-9 महीने में के अंदर ही इनकी अपॉइंटमेंट हो गई सर। हाँ, बहुत खुशी ही, और मेरे को रिटायरमेंट महसूस नहीं हुई ज़रा भी कि मेरी बेटी मेरी जगह पे आ गई है। हाँ जी, इतना हुआ था। तो और ये पूरा दौर कैसे गुजरा, 6-7 साल जिस तरह इसने प्रियंका ने स्ट्रगल किया, कितना सपोर्ट था आपका? मेरा सपोर्ट साहब बेटी के लिए बहुत कम था, इसने अपनी ही मेहनत से ट्यूशने पढ़ा के करी है। बाकी जो कहीं थोड़ी बहुत ही कमी पड़ती थी मैं ज़रूर पूरा कर देता था, ना नहीं करता था। हाँ जी हाँ, किसे हाँ। लेकिन एक पढ़ाई का दौर होता है और जब उम्र निकलने लगती है तो बाप को इस बात की चिंता होती है कि बेटी की शादी करनी है और पढ़ाई हो रही है, उम्र निकल रही है। हाँ, चिंता बहुत थी इस बात की, बहुत चिंता थी कि ये जा रही है और जॉब नहीं लग रही है, अब क्या करें, बहुत चिंता थी साहब इस बात की। लेकिन चलो, बेटी ने मेरा साथ बहुत हिम्मत से अपना काम कर लिया और जॉब हासिल कर ली। पंजाब सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बच्चों को मेहनत करके पैसे लगा के पढ़ रहे हैं और उनको आगे तक मतलब सफर मिलना चाहिए सही। तो लग रहा है कि अब पंजाब के जो युवा हैं जो बाहर जाने की सोच रहे थे, अब यहीं रुकने की सोचेंगे? बिल्कुल, इनका देखो 40-50 हज़ार रुपये लग गया जो जॉब का वहाँ डॉक्यूमेंट भेजने में, लेकिन अब नहीं भेजेंगे, चाहे आ भी जाए ना, अब नहीं भेजेंगे, अब यहीं रहेंगे जी पंजाब में, अब सर जॉब कराएंगे जी।
माता जी बेटी की सरकारी नौकरी लगी, जब खबर मिली आपको और अपॉइंटमेंट है, तो क्या क्या पहले सबसे पहले क्या आया मन में? बहुत खुशी हुई जी। पहला तो हमने सोचे कि उनके रिटायरमेंट की आई है, फिर जब सब बधाई देने लगे कि बेटी की आई है तब पता चला हमें, फिर खुशी हुई जी बहुत। जानकारी कैसे मिली आपको? इनके स्कूल के आ गए ना साथियाँ, हाँ तो हमने सोचा कि भी इनके घर वाले की रिटायरमेंट के आए हैं, हमें बिल्कुल पता नहीं था, और एकदम से आगे हम ऐसे हो गए भी क्या होया, फिर पता चला कि जहाँ बेटी की नौकरी लगी है, फिर बहुत खुशी हुई जी। अच्छा, बेटी ने बहुत स्ट्रगल किया है, तो कहते हैं कि माँ का साथ बहुत ज़रूरी होता है, कितना साथ रहा आपका? बस जी जितना भगवान की कृपा थी। हाँ जी, तो ये प्रियंका है और उनका पूरा परिवार जो साफ तौर पर कह रहा है कि किस तरह से जब से भगवान मान की सरकार आई और जो कानूनी दांवपेच के कारण जो नौकरियां नहीं लग पाती थी, कभी स्टे लग जाना या किसी कारण से देरी होना, वो नई सरकार आने के बाद वो सारी बाधाएं बहुत तेज़ी से दूर की गई, और यही वजह है कि प्रियंका जैसे हजारों जो और भी नौजवान हैं, युवा हैं, उनकी सरकारी नौकरी लगी, और ख़ासतौर पर जिस तरह खुद प्रियंका कह रही हैं कि विदेश जाने का उनका सोच थी कि जल्द से जल्द वो विदेश चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा था, कोई नौकरी नहीं लग रही थी, सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी, लेकिन जब अपॉइंटमेंट लेटर आया तो चेहरे पर ना सिर्फ प्रियंका के बल्कि पूरे परिवार के चेहरे पर खुशी थी, और यही वजह है कि पंजाब के जो युवा हैं अब सरकारी नौकरी की तरफ देख रहे हैं, और पंजाब में रहकर पंजाब को आगे बढ़ाने की जो कोशिश है उन युवाओं की साफ तौर पर देखने को मिल रही है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।